Hi, geniuses! Welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7, 8th, 9th, and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family, and the classmates. So, the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 2, nutrition in animals. सो so, इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसका फर्स्ट हाफ जो है चैप्टर का वो कवर कर लिया है सो so, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जाके चेक कर सकते हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ओके सो बेसिकली हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि जो आपकी बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ओके So, जो बॉडी uh, होती है एनिमल्स की ठीक है उसको पूरे दिन में बहुत सारे वर्क करने होते हैं ठीक है उसको जिंदा रहना है उसको ग्रो करना है तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ठीक है सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेसिकली आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना आपके बॉडी में डिफरेंट uh, स्टेप्स में यूज होता है ठीक है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कर पाते हैं सो so, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में कैसे ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं ऑफ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस करते हैं सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ओके इन द एनिमल्स द फर्स्ट वन इज द इंजेक्शन इंजेक्शन मीन्स कि खाने को अपने बॉडी में डालना इन करना Second one is the digestion. Digestion means a breakdown hona, okay? into the soluble form. And third is absorption. Fourth is assimilation. And fifth one is digestion. So we are going to discuss all these five steps in the how it takes place in the human body, in the human digestive system, one by one. Okay. So basically, your body forms performs the steps of nutrition.

ठीक है और वो जो ट्यूब है कहीं कहीं पर कॉइल्ड है ठीक है मुड़ी हुई है तो वहां पर ये सारे स्टेप्स टेक्स प्लेस करते हैं और उसको हम कहते हैं गट और एलिमेंट्री कैनाल ठीक है तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें जो डिफरेंट स्टेप्स है न्यूट्रिशन के वो टेक्स प्लेस करते हैं तो सबसे पहला जैसे माउथ है ठीक है सो अगर सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था ना इंजेक्शन मतलब खाने को अंदर डालना आपके बॉडी में तो वो कहां से करते हैं आप माउथ से करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है इंजेक्शन वो टेक्स प्लेस करता है आपके माउथ में ठीक है फिर उसके बाद आता है आपका फूड पाइप तो आपके माउथ से फूड पाइप कनेक्टेड है या फिर उसको आप भी कह सकते हैं और उस फूड पाइप की मदद से जो आपका खाना है वो स्टमक में पहुंचता है तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन ठीक है तो उसमें आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन द सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म तो वो कहाँ पर होता है आपके बॉडी में स्टमक में ठीक है फिर जो भी खाना डाइजेस्ट थोड़ा बहुत खाना स्टमक में डाइजेस्ट होता है ठीक है जो बाकी का डाइजेशन होता है वो सारा का सारा फिर टेक्स प्लेस करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्टमक के बाद आपके बॉडी में, में जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ पे आपका बॉडी जो है बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन Takes place हो जाता है आपका जितना भी फूड है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है into the simple and soluble form, ठीक है है मैंने बताया था absorption. अब जो आपका खाना digest हुआ है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो वो कहां पर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली जो भी आपका खाना डाइजेस्ट हुआ है फिर वहां से एब्जॉर्ब होके इट रीचेस टू द ब्लड ठीक है फिर उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन था वो तो आपके जो ब्लड में चला गया है ठीक है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया ठीक है नेक्स्ट अब प्रोसेस है एसिमिलेशन एसिमिलेशन का मतलब कि वो जो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में पहुंचे हैं अब उनको बॉडी यूज करेगी और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे योर ब्लड ठीक है तो वो ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और सेल के अंदर जो आपका फूड है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है सो ये हो गया एसिमिलेशन फिर उसके बाद वॉट द वेस्ट प्रोडक्ट इज लेफ्ट ओके जो कि आपकी बॉडी के द्वारा यूज नहीं हुआ है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ठीक है और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो रैक्टम में पहुंचता है और फिर एनस के थ्रू आप उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं सो so बेसिकली ये जो सारे फंक्शन हैं इंजेशन का डाइजेशन का एब्जॉर्बन का एसिमिलेशन का और इजेशन का ये सारे के सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म एक लॉन्ग ट्यूब है मतलब एक रास्ता है एक कैनाल है ठीक है जिसके थ्रू आपका खाना एक एक करके पास होता है डिफरेंट पार्ट से और वो पूरा डाइजेस्ट भी होता है उसमें एब्जॉर्ब भी होता है एसिमिलेशन भी, भी होता है और उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें तो अब ये जो खाना आप खा रहे हैं ठीक है ये कैसे डाइजेस्ट होंगे इनको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो जूसेस चाहिए ना डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स एंड जूसेस इन योर बॉडी So, वहां पर आपके ग्लैंड काम में आते हैं ठीक है जो कि सिक्रीट करते हैं जूसेज और एंजाइम इन योर बॉडी इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फूड ब्रेक डाउन द फूड इन टू सिंपलर फॉर्म सो जैसे ग्लैंड है है ठीक तो इट इज नियर योर माउथ माउथ आपके mouth के पास होता है ये और जो सिलेबरी ग्लैंड होता है बेसिकली वो सलाइवा सिक्रीट करता है तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई टेस्टी चीज देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ठीक है वो मुंह में पानी आना वो क्या होता है दैट इज द सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाय दी ग्लैंड ठीक है जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है सिंपली एक और ग्लैंड है आपकी बॉडी में जिसको हम लिवर कहते हैं तो लिवर जो होता है वो भी जूस सिक्रिएट करता है इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फैट्स इन योर बॉडी सिमिलरली गोल्ड ब्लैडर है पेनक्रियाज हैं ठीक है थीके? ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट करते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस ठीक है और ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रिएट होते हैं इवन बाय द इनर वॉल ऑफ योर स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो आपका जो स्टमक है वो भी डाइजेस्टिव जूस सी करता है और जो इनर वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो भी डाइजेस्टिव जूस सी करते हैं जिसके कारण कि आप जो भी खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है इन टू एंड सॉल्युबल फॉर्म में ठीक है सो नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हम सबसे पहले कहा सबसे पहला स्टेप क्या है इंजेशन ठीक है इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी में खाना डालते हैं इनटेक करते हैं सो द द फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू थ्रू माउथ माउथ तो के आप अपने बॉडी में खाना डालते हैं ठीक है अब जैसे ही आपने देखा होगा जैसे ही आप खाना डालते हो ना मुंह में आप सबसे पहला काम क्या करते हो आप उसको च्यू करते हो चबाते हो ठीक है तो जो डाइजेशन का पहला स्टेप है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है सो so सबसे पहले आपने खाने को च्यू करना शुरू करा ओके okay? सो so, जब और यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आपका जो भी फेवरेट फूड है पिज्जा हो गोलगप्पा हो पास्ता हो वट एवर ठीक है तो जब भी आप उसके बारे में सोचते हो या देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है तो वो पानी क्या है वो एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि सलाइवा जिसको हम कहते हैं जो कि सिक्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट होता है ठीक है सो जब आप खाने को च्यू कर रहे होते हैं ठीक उसी वक्त ही आपका जो सेलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करता है जिसको कि बहुत ही वियर्ड लैंग्वेज में बोलूं तो हम कहते हैं ना हमारे मुंह में थूक आता है ठीक है इज 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 दैट 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 सलाइवा ओनली जूस डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड ठीक है सो च्यू जब आप करते हो किसी भी खाने को तो आप क्या कर रहे हो वो जो बिग चंक है आपके रोटी और सब्जी और चावल का आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो च्यू कर करके इन टू द स्मॉल पीसेस ठीक है और उसके बाद जब वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रॉपर उसको फूड तो का सलाइवा इस प्रोसेस को हम कहते हैं मास्टिकेशन ओके नाउ अब आपका जो फूड है वो सलाइवा के संग मिक्स हो चुका है ठीक है स्मॉल पीसेज में डाउन हो चुका है और वहां पे जो आपका टंग है ना आपके टंग की मदद से वो जो भी है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द बॉल ठीक है अब जो आपका टीथ है वो कट करता है मतलब काटने के काम आता है टीयर करने का मतलब होता है फाड़ना ठीक है ग्राइंड मतलब जैसे मिक्सर में कोई भी चीज ग्राइंड कर देते हैं ना तो उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं ठीक है ठीके? तो आपके टीथ जो हैं वो आपके फूड आइटम को कट करने में टीयर करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं इससे पहले कि आप उसको स्वेलो करें सो so, अब टीथ ये काम कैसे करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके पास टोटल ट्वेंटी टीथ होते हैं ठीक है दो जॉज हैं आपके एक ऊपर वाला जिसको हम जबड़ा कहते हैं और नीचे वाला जॉ जो होता है ठीक है तो ऊपर वाले जॉ में बच्चों के टेन टीथ्स होते हैं नीचे वाले जॉ में भी टेन टीथ्स होते हैं और इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं ठीक है तो जब जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की आ, एक पर्टिकुलर एज के बाद उसके दांत आना शुरू होते हैं ठीक है और धीरे धीरे करके ये दांत जो हैं वो टेन ऊपर के जॉ में टेन नीचे के जॉ में आ जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड द मिल्क टी दूध के दांत कहते हैं इनको ठीक है और ये जनरली दस साल की एज में वापस रिप्लेस होते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारे मिल्क टीथ जो हैं वो टूटने लगते हैं और वहां पर परमानेंट और बड़े टीथ आने लगते हैं तो 10 साल 11 साल 12 साल तक ये प्रोसेस होता है बच्चों में ठीक है और उसके बाद जितने भी उनके मिल्क टीथ हैं वो सब टूट के फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं और अगर एक बार वो परमानेंट टीथ टूट गए ठीक है सो उसके बाद आपको नए दांत लगवाने पड़ेंगे वापस से दांत नहीं आते हैं ठीक है सो जब बारह साल के बाद बच्चों के परमानेंट टीथ आते हैं तो वहां पर टोटल थर्टी टीथ होते हैं सिक्सटीन हर जॉ में होते हैं ठीक है तो छोटे बच्चों के पास टोटल ट्वेंटी टीथ्स है टेन इन ईच जॉ और जो परमानेंट टीथ आते हैं आफ्टर द एज ऑफ ट्वेल्व वहां पे थर्टी टू टीथ आते हैं और वो सिक्सटीन होते हैं इन ईच जॉ ठीक है अब ये जो सिक्सटीन टीथ्स है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें से फोर इंसिजर्स होते हैं टू केनाइन्स होते हैं चार प्रीमोलर और छह मोलर्स होते हैं ओके सो एज यू कैन सी आप ये टीथ का अपना देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है यहां देखने से अच्छा ज्यादा बेटर है आप अपने टीथ को मिरर में देखिए ठीक है जस्ट uh, या तो आप अपने टीथ का uh, एक इमेज क्लिक करिए ठीक है विद द हेल्प ऑफ योर कैमरा एंड जस्ट सी कि आपकी अगर uh, यूर इन सेवेंथ ठीक है तो आपकी एज ऑलमोस्ट इलेवन अराउंड होगी ठीक है और आपके मिल्क सारे गिर गए होंगे आपके परमानेंट टीथ आ गए होंगे तो जस्ट काउंट हाउ मेनी टीथर इन योर ईच जॉ ठीक है सो so, नीचे वाले जॉ का भी अगर आप काउंट कर लोगे तो जितने नीचे जॉ में होंगे exactly उतने ही ऊपर जॉ में भी होंगे आपके सो so, आपने ये देखा होगा कि फ्रंट के जो चार टीथ होते हैं ना ये ऊपर से देखो आप फ्लैट होते हैं एकदम ऐसे ठीक है तो ये चारों जो होते हैं ये नीचे भी चार ही होंगे ऊपर भी चार ही होंगे सेम रहता है ठीक है so, सो ये चार जो है ये इंसिजर्स होते हैं फिर उसके बाद आपने देखा होगा इन इंसिजर्स के बगल में दो ए, हर दोनों साइड में एक एक टीथ होते हैं जो कि नुकीले होते हैं ठीक है जैसे कि आपने डॉग्स में या फिर आपने जितने भी टाइगर और लॉयंस होते हैं उनमें देखे होंगे ऐसे शार्प टीथ ठीक है तो इनको हम कैनाइंस कहते हैं तो वे आर हैविंग द टू केनाइंस फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स

दोनों साइड में दो दो प्रीमोलर्स होते हैं और दोनों साइड में तीन तीन मोलर्स होते हैं अब इनके शेप के होते हैं और यूज होते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग अब आप क्या करो आप कोई भी एप्पल लो या बनाना लो ठीक है कोई भी फ्रूट लो ओके जो, जिसको आपको कट काट करना है दांत से और आप ये कट करो और नोटिस करो कि आप आपके कौन से दांत से उसको कट कर रहे हो ठीक है तो जब भी आपको कोई चीज काटनी होती है ना गाजर है मूली है बनाना है कोई भी आप कोई भी चीज जो कि आपको कट करनी है तो उसके लिए आप हमेशा अपने फ्रंट के चार टीथ यूज करते हो ये वाले ठीक है ये जो चार है ना यहाँ पर ये थ्री फोर जो फोर आपको इंसिजर्स दिख रहे हैं ये आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज को कट करने में या बाइट करने में ठीक है सो इनकी मदद से आप कट या बाइट करते हैं तो इंसेजर्स का क्या काम है ये यूज होते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग ठीक है उसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके जो केनाइन दांत हैं ठीक है जो कि ठीक आपके इंसेजर्स के बगल में शार्प टीप्स होते हैं तो वो केवल नॉन वेजिटेरियन ही यूज कर पाते हैं वेजिटेरियन लोगों को उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो ये जो इंसिजर्स होते हैं ये पॉइंटेड टीथ्स होते हैं ठीक है ये किस लिए यूज होता है ये जब आप नॉनवेज खाते हैं चिकन या मटन या कुछ भी नॉनवेज खा रहे हैं जिसमें आपको जो उसका फ्लैश है उसको टीयर करना है फाड़ना है ठीक है सो उसको वो यूज करते हैं फॉर पियर्सिंग पियर्सिंग का मतलब होता है दांत गड़ाना ठीक है और टीयरिंग मतलब फाड़ना ठीक है तो जनरली जो लोग मीट लो खाते हैं वो लोग ये कैनाइन टीथ यूज करते हैं सो so, इसीलिए हमारे पास दो कैनाइन होते हैं जिसकी मदद से हम फ्लैश खा सकते हैं किसी भी एनिमल का नेक्स्ट अगर बात करें तो जो टीथ होते हैं एट द बैक ऑफ माउथ तो वो आपने देखा होगा दे आर जनरली ब्रॉडर ठीक है ब्रॉड ब्रॉड होते हैं मतलब चौड़े और फ्लैट मतलब ठीक है ब्रॉड मतलब चौड़े और फ्लैट मतलब चिपटे होते हैं ठीक है तो जो पीछ, पीछे के जो आपके प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं तो आपने आप जब खाना खाते हो तो नोटिस करना नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाओगे तो आप जो खाने का बाइट है ठीक है वो तो आप सामने वाले इन इंसिजर्स से लेते हो नॉनवेज खाते हो तो कैंस यूज होते हैं बट जब आप खा लेते हो तो जो आप खाने को च्यू कर रहे हो ना वो कहां से करते हो नोटिस करना आपके जो पीछे वाले दांत है ना आप उनकी मदद से खाने को च्यू करते हो ब्रेक डाउन करते हो इन द स्मॉलर पीसेस ठीक है तो ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं क्रश करते हैं ओके और ग्राइंड करते हैं फूड को क्रश करने का मतलब क्या है जैसे अ किसी भी चीज को चिपटा कर देना क्रश कर देना ठीक है और ग्राइंड करने का मतलब क्या है उसको बहुत छोटे छोटे से पीसेस में आ, पीस देना ठीक है तो वो काम आपके आ, कौन से टीथ कर रहे हैं प्री मोलर्स एंड मोलर्स ठीक है और जो मोलर्स होते हैं जनरली वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द प्रीमोलर्स सो क्योंकि हर जो टीथ है उसका अपना डिफरेंट फंक्शन है इंसेजर्स बाइटिंग और कटिंग के काम आते हैं जो कैनाइंस हैं वो आपके पियर्सिंग और टीयरिंग के काम आते हैं फ्लैश और जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं ठीक है सो दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन योर माउथ ठीक है नाउ अगर हम बात करें तो आप सबने ये देखा होगा कि आप सब ये जो दांत होते हैं ना वो बहुत शाइन करते हैं चमकते हैं ठीक है सो वाई योर टीथ आर शाइनिंग सो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो आपके टीथ को कवर करता है उसको हम इनेमल कहते हैं ठीक है है तो वो जो इनेमल होता बेसिकली वो आपके टीथ को शाइन प्रोवाइड करता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आप टू रिमेम्बर हियर इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी तो जनरली हमारे दिमाग में जब हम हार्डेस्ट सब्सटेंस के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है बोन्स होंगी सबसे हार्ड ठीक है बट इंस्टेड ऑफ बोन बोन से भी ज्यादा हार्ड कौन सी चीज है इनेमल है जो कि आपके टीथ पर होती है ठीक है तो आपके टीथ को प्रोटेक्शन देती है वो गर्म ठंडा लगने से आपको बचाती है इनेमल जो होता है ठीक है और दूसरा आपके दांतों को शाइन प्रोवाइड करता है तो आपने ये देखा होगा बहुत सारे लोग जब आता है ना सेंसोडाइन का एड टीवी पे जिसमें वो बोलते हैं कि गर्म ठंडा लग जाता है दांतों में तो वो कब लगता है जब उनके दांतों का इनेमल घिस चुका है ठीक है तो इनेमल जो होता है वो कोटिंग होती है आपके टीथ की जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके टीथ को ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीथ का काम हो गया ठीक है अब आपने खाना खाया बाइट लिया करा, पीसेस ओके नाउ जो सलाइवा है वो अब आपका फंक्शन में आता है जो सलाइवा है आपका आपके माउथ में वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर दैट आर इजियर टू डाइजेस्ट ओके okay, सो so अब हम सलाइवा के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज सलाइवा के बारे में ये याद रखनी है कि आप जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फैट्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं वाइटाम होते हैं मिनरल्स होते हैं तो इन न्यूट्रियट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर आपके बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं तो सबसे पहले कौन सा न्यूट्रियट है जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है दैट इज द स्टार्ट जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं आपके बॉडी में और कहां पर डाइजेस्ट होते हैं दे डाइजेस्ट इन योर माउथ ठीक है अब उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें जूस चाहिए ठीक है वो कौन सा जूस है दैट इज द सलाइवा विच इज बाय द सलाइवरी ग्लैंड तो सलाइवा की मदद से जो भी आपके जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं जो भी स्टार्च है आपके खाने में वो ब्रेक डाउन होता है इन द शुगर और फिर वो इजी हो जाता है शुगर को डाइजेस्ट करना ठीक है तो पहला काम है सलाइवा जो है वो आपके स्टार्च ब्रेक डाउन करता है शुगर में ठीक है सो इट गेट दर टू डाइजेस्ट दूसरा सलाइवा का क्या काम है ये क्या करता है आपके फूड को वेट बना देता है गीला बना देता है ठीक है और स्लिपरी भी बना देता है तो जिसके कारण कि जब आप खाने को निगलें तो वो इजिली आपके गले से पास होके आपके स्टमक में पहुंच जाए हेल्प ऑफ द फूड पाइप ओके

एंड इट हेल्प टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा तो जो टंग होता है आपका जब आप खाना खाते हैं तो वो बार बार आपके फूड को पुश करता है पीछे की तरफ ठीक है प्रीमोलर्स और मोलर्स के पास ताकि आप फूड को प्रॉपरली च्यू कर सकें इजिली ठीक है और दूसरा टंग का क्या काम है वो कॉन्स्टेंटली आपका जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसको आपके फूड के संग मिक्स करता रहता है एंड इट हेल्प्स यू टू मेक द बॉल ऑफ इट ओके एंड जिसके कारण आप उसको इजिली स्वेलो कर सकते हैं तो अगर माउथ की बात करें तो देर आर थ्री ऑर्गन वन इज टीथ वन इज दी ग्लैंड एंड वन इज द टंग ठीक है तो टीथ का काम मैंने बता दिया टंग का काम मैंने आपको बता दिया और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा होता है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है और आपके फूड को बेटर स्लिपरी बनाता है सो दैट यू कैन स्वेलो इट ठीक है अब आपको जो भी कोई भी चीज खाते हो ना तो कोई मीठी लगती है कोई नमकीन लगती है कोई कड़वी लगती है तो वो कैसे आप टेस्ट कैसे पता करते हो किसी भी चीज का तो आपके टंग का एक और काम है ठीक है आपके टंग जो होते हैं उसमें आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं ठीक है जो कि आपके अः टांग में सब जगह पर अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप किसी भी खाने का टेस्ट पता कर सकते हो कि वो मीठा है सॉल्टी है सोर मतलब खट्टा और बिटर मतलब कड़वा है ठीक है तो साइंटिस्ट जो थे वो पहले ये सोचते थे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टे, टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपके टंग में डिफरेंट जगह पर होते हैं अवेलेबल इन द स्पेसिफिक एरिया जैसे पहले वो बोलते थे कि जो स्वीट है वो यहां से पता चलता है टिप ऑफ द टंग फिर यहाँ से सॉल्टी टेस्ट पता चलता है यहाँ से सोर और पीछे से बिटर पता चलता है बट नाउ बाद में जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि नहीं सारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं टांग में और कहीं कहीं से भी कोई भी टेस्ट आप डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर इट्स अ स्वीट सोल्टी सोर और बिटर सो अगर टंग की बात करें तो टंग का क्या काम है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके फूड को पुश करता है जिससे कि आपके फूड को प्रॉपर चू जा, किया जा सके दूसरा वो आपके सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ और वो आपको फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है और तीसरा वो आपके फूड के टेस्ट को पता करने में हेल्प करता है वेदर इट्स अ स्वीट सोल्टी सोर और बिटर, ओके, okay? और अगर इसके अलावा बात करें तो टंग आपको बहुत ज्यादा बोलने में भी मदद करता है ठीक है टंग की मदद से आप बोल पाते हैं नाव अब सबसे पहले हमने खाना मुंह में डाला अब टीथ ने अपना काम किया सलेवरी ग्लैंड ने अपना काम किया सलाइवा सिक्रेट किया वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए नाउ यू हैव स्वेलोड ठीक है सो ये आपका माउथ है ठीक है और ये देखो ये पीछे यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड होता है तो इससे सलाइवा होता है आपके माउथ में जो कि हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन होने में ठीक है और आपके फूड को स्वेलो करने में ठीक है अब आपने फूड स्वेलो करा अब ये जो आपको पाइप दिख रही है इसको हम फूड पाइप कहते हैं या फिर इसको हम ईसो भी कहते हैं तो ईसो में एक चीज याद रखना यहाँ पे जो फर्स्ट ओ होता है ना दैट इज द साइलेंट जैसे नाइफ होती है ना तो नाइफ की स्पेलिंग होती है के एन आई एफ ई तो उसमें कैनाइफ नहीं बोलते आप उसको नाइफ बोलते हैं वैसे यहाँ पे ईसो में ओ इज एप साइलेंट तो ओइसोफेगस नहीं बोलते ईसो बोलते हैं बट लिखते वक्त आप इसको ओ ओ ई एस पी एच ए जी यू एस लिखेंगे ठीक है सो ये जो है ये फूड पाइप है या फिर इसको ईसोफेगस भी कहते हैं तो जब आप फूड को स्वेलो कर लेते हैं तो ईसोफेगस की मदद से जो आपका फूड है वो आपके स्टमक तक पहुंचाया जाता है ठीक है तो दिस इज योर स्टमक पर अब ये जो ईसोफेगस है ठीक है ये आपके माउथ से लेकर स्टमक तक अटैच होता है तो ये आपके माउथ से स्टमक तक आता है जिससे कि खाना जो है वो आपके माउथ से स्टमक तक आ सके प्रॉपरली और ये जो ईसोफेगस है ये मसल्स का बना हुआ है ठीक है तो जो मसल्स होती हैं जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं और एक्सपैंड होती हैं मतलब फैलती हैं ठीक है ठीके? तो ये जो मसल्स हैं ईसो में जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रही होती हैं ठीक है चीके? जैसे आप देखोगे तो यहाँ वाली जो है वो एक्सपैंड uh, हो रखी है फैली हुई है ठीक है और फिर यहाँ अब इसको पुश करना है ठीक है तो जब इसको रिसीव करना है ना फूड को तो जब फूड को रिसीव करना होगा तो ये फैल जाएगी तो फूड आइटम इसमें अं, अं, अंदर एंटर हो जाएगा और फिर जब इसको आगे पुश करना है तो ये सिकुड़ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जगह कम होगी तो फूड जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो मसल्स हैं ये जेंटली पुश करती हैं आपके खाने को स्टमक की तरफ इन द वेव लाइक एक्शन जिसको हम पेरिस्टिलिस कहते हैं पेरिस्टिलिस मतलब कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज ईसोफेगस मसल्स ठीक है जिसके कारण जो है वो फूड है वो आपका आगे की तरफ पुश किया जाता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है आपके स्टमक में ठीक है अब जो स्टमक है अगर आप देखोगे तो ये ऐसे जे शेप का होता है दिख रहा है ना ठीक है तो स्टमक जो होता है वो जे शेप का एक बैग होता है वो भी पूरा मसल से बना हुआ है और वो एटलीस्ट दो लीटर ऑफ फूड आपके एक टाइम में स्टोर कर सकता है ठीक है तो आपने देखा होगा आप एक या दो रोटी खाते हो फिर उसके बाद आपका पेट भर जाता है आप उससे ज्यादा नहीं खा पाते हो क्यों क्योंकि आपके स्टमक जो होता है उसकी एक कैपेसिटी है खाने को स्टोर करने की तो वो एक बार में दो लीटर तक ही खाना स्टोर करके रख सकता है ठीक है अब जब आप खाना खा लेते हो तो खाना जो है वो वो कि आपने आपने कौन सा ज़्यादा खाया है है तो 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 कुछ कुछ मिनट से लेकर घंटों तक आपके पेट में ही रहता है। तो आपने देखा होगा जब आप सुबह करते हो तो फिर आपको तीन चार घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है ठीक है फिर हर पांच घंटे के बाद आपको भूख लगती है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं हम क्योंकि जो भी आपने खाना खाया है वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट होगा फिर आगे पास होगा इट टेक्स अराउंड फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स तो इसीलिए कुछ घंटों तक आपको भूख नहीं लगती क्योंकि जो आपने खाना खाया वो आपके स्टमक में ही रहता है ठीक है अब जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है तो आपके पेट की एक इनर लाइनिंग होती है ठीक है जो की सिक्रीट करती है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस ओके अब नाव यहाँ पे जैसे ही खाना आपके स्टमक में पहुंचा तो ये तीन चीजें आपके इनर लाइनिंग सिक्रीट करती है अब तीनों का क्या काम है मैं बताती हूँ पहली चीज बात करते हैं म्यूकस ठीक है सो जनरली so, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इतना एसिड है कि अगर गलती से किसी के स्किन पे पड़ जाए ठीक है या वो लोहे पे पड़ जाए तो वो उसको गला सकता है बहुत स्ट्रांग होता है ठीक है लोहा भी गला सकता है इतना स्ट्रांग होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में होता है तो अब इमेजिन करो कि अगर ये सिक्रीट हो रहा है आपके पेट में तो आपका पेट जल जाना चाहिए अब तो डेड हो जाने चाहिए हम सब बट हम सब जिंदा हैं। तो इसका मतलब कि क्या होता है वहां पे जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है उससे पहले हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो म्यूकस सिक्रीट करती है अब अगर मैं म्यूकस समझाना चाहूं तो uh, म्यूकस इज लाइक like, uh, जो बलगम होती है ना हमारी ठीक है तो एक्जेक्टली exactly वैसे ही होता है म्यूकस भी जो कि हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है वो सिक्रीट करती है तो पहले वो म्यूकस होता है और फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक होता है 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 तो वो है, वो म्यूकस जो क्या करता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपके स्टमक के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता जिसके कारण आपका स्टमक बर्न नहीं होता है जलता नहीं है विद हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है सो so, म्यूकस जो होता है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टमक की लाइनिंग के बीच में एक लेयर बना देता है जिससे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक uh, की लाइनिंग के कांटेक्ट में नहीं आता है और डाइजेस्टिव जूस क्या काम, करते हैं डाइजेस्ट करने का काम करते हैं तो जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड का क्या काम है एसिड जो है वो किल करता है बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलॉन्ग विद फूड तो जनरली इंडिया में हमने ये नोटिस किया है क्योंकि हम स्ट्रीट साइड फूड भी खा लेते हैं और अब कोरोना के कारण हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं नहीं तो पहले तो हम कैसे भी हाथों से खाना खा लेते थे ठीक है तो जितने भी हाथों में आप क्योंकि डिफरेंट आप टच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें तो उसके कारण जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके बॉडी में अंदर एंटर होते हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं दे आर जनरली किल्ड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है जो कि एंटर करते हैं अलॉन्ग फूड जिससे कि आपको इंफेक्शन या कोई डिजीज नहीं लगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर जो कि मैंने आपको बताया था आपके माउथ में जो सेलेवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रिएट करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है तो आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ सलाइवा और जब आपका वो खाना स्टमक में पहुंचा तो अब आपके स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है तो जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है जो कि आपके फूड पाइप में डाइजेस्ट uh, हो रहा है That is, uh, आपके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो रहा है दैट इज द प्रोटीन ठीक है एंड दिस इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है अब यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए फिर तो जो आपका स्टमक मसल है वो स्क्वीज करता है स्क्वीज़ मतलब सिकुड़ता है

स्मॉल इंटेस्टाइन में तो देखो सबसे पहले यहां पर थे माउथ में तो माउथ में सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सिक्रीट हुआ जिससे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हुए ठीक है फिर उसके बाद आप स्टमक में आए स्टमक में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस और म्यूकस रिलीज हुआ तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस और म्यूकस थे सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस और आपका हाइड्रोक्लोरिक uh, एसिड है उसने यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो अभी तक केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आधा डाइजेस्ट हुआ है

नाउ अब जो मसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वो मिक्स करते हैं फूड को विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है तो अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस पहुंचाए जाते हैं जिससे कि जो खाना है वो पूरा डाइजेस्ट हो सके वहां पे अब कुछ जूसेस जो हैं वो दूसरे सेल्स के द्वारा सिक्रीट करते हैं ठीक है अब जैसे कि वो तो अब स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे जूस सिक्रीट होते हैं तो कौन कौन यहाँ पे जूस सिक्रीट करता है तो एज यू कैन सी दिस इज द लिवर ठीक है तो जो लिवर है वो यहाँ पर सिक्रीट करता है जूस और पहुंचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लिवर कौन सा जूस सिक्रीट करता है लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस और दूसरी चीज याद रखता है लिवर ही आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है यहाँ पर ठीक है आपके बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज द लिवर तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करके कहा पहुंचा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिमिलरली आपके जो पैनक्रियाज हैं ये जो बीच में दिख रहे हैं आपको ये जो पैनक्रियाज हैं ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं और ये भी पहुंचाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और इन दोनों के अलावा लिवर और पैंक्रियाज के द्वारा अलावा भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी अपना जूस सिक्रीट करती है ठीक है सो so, अब जो लिवर जूस सिक्रीट कर रहा है और पैंक्रियाज जो जूस सीक्रीट कर रहे हैं उनका क्या काम है वो किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं अब यहाँ पे तो देखो जो लिवर लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके बॉडी का और पैंक्रियाज जो है वो जस्ट लोकेटेड होता है बिलो योर स्टमक जो मैंने भी आपको दिखाया तो अब देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट हो गया ना और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक में सिक्रीट हुए थे उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो चुके हैं आधे आधे डाइजेस्ट ठीक है कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है बट अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अब कौन सा बच गया फैट ठीक है सो so जो लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि आपके गोल ब्लेडर में स्टोर होता है ठीक है और ये जो बाइल जूस होता है ये ब्रेक डाउन करता है आपके बॉडी में फैट को इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस ठीक है और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये एक्ट करते हैं ऑन दी टाइनी ड्रॉपलेट्स टू कन्वर्ट द फैट इन टू द फैटी एसिड एंड द तो आपके बॉडी में जो फैट है वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस डाइजेस्ट होता है और कन्वर्ट होता है इन टू द सिंपलर फॉर्म दैट इज द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल फैट को सॉरी तो फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है ये बाइल जूस जो कि किसके द्वारा सिक्रीट होता है लिवर के द्वारा और जब फैट डाइजेस्ट होते हैं तो किसमें कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स और में ठीक है तो लिवर का काम हो गया यहाँ पे अब बचे पैनक्रियाज अब जो पैनक्रियाज ने जूस सिक्रीट किया था उनका क्या काम है फिर तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो आपका जो भी स्टार्च बच गया था जो कि माउथ में पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर जो प्रोटीन आपके स्टमक में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ था जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था तो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करते हैं कि जो शुगर और प्रोटीन है ठीक है उनको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं ठीक है ठीके? और जो आपका शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिनका नाम है एमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब स्टार्च ब्रेक डाउन होता है ठीक है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके बॉडी में जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोस ओके जो प्रोटीन है जब वो ब्रेकडाउन होते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू एमाइनो एसिड्स और जो आपका फैट है जब वो कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन होता है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है और इसके अलावा मेजरली जो आपके बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव जो सीक्रेट होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन को जो वाइटामिन मिनरल्स होते हैं दे आर वेरी लेस इन क्वांटिटी तो दे डोंट नीड द डाइजेशन वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके बॉडी में उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है so, सो अभी तक आपने दो मैथड पढ़ लिए इंजेक्शन जो कि आपने माउथ के थ्रू किया और फिर डाइजेशन पढ़ा अब जब प्रॉपर फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है नाउ द थर्ड स्टेप इज आपका खाना जो है वो अब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ठीक है सो so अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है आपके बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में तो दिस इज द फिगर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से काट के देखोगे तो उसमें आप यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुई है ठीक है इनको हम कहते हैं विलीज ठीक है इनका नाम होता है विलीज ठीक है अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये जो एब्जॉर्बन होता है फूड का ये अकर करता है थ्रू द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम विज कहते हैं ठीक है अब इन विज का क्या काम है बेसिकली ये क्या करते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो प्रॉपर एबजॉर्ब हो सके ठीक है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो हर जो विलीज है ठीक है यहाँ पे जो हर विलस है क्योंकि ये जो प्लुरल फॉर्म है उसको विलीज कहते हैं और अगर आप एक कंसीडर करेंगे तो उसको विलस कहते हैं तो जो हर विलस है बेसिकली वो कनेक्टेड है विथ द फाइन ब्लड कैपिलरीज जो कि क्लोज होता है टू द सरफेस तो एवरी विलस जो है यहाँ पे आपको ये दिख रही है इस वाली लेयर में बहुत सारी लाइंस फॉर्म हुई हैं, ठीक है टीके? तो ये कैपिलरीज हैं बेसिकली ठीक है तो ये जो विलस है ये कनेक्टेड होता है विद द ब्लड कैपिलरीज मतलब कि अगर विलस आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करेगा तो वो कहां चली जाएंगी ब्लड कैपिलरीज मतलब कि वो ब्लड कैपिलरीज में गई मतलब किसके अंदर गई ब्लड में चली गई ठीक है तो विलीज जो होती हैं वो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड फूड हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके उनको कहां पहुंचा देती हैं आपके ब्लड में तो अब जो एब्जॉर्बन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है विद द हेल्प ऑफ विलीज और विलीज की मदद से जो आपका डाइजेस्टेड फूड है जो न्यूट्रिय है दे हैव रीच टू द ब्लड ओके अब खाना जो है वो कहा पास हो चुका है इन टू द ब्लड रीज नाउ दार्ट इज देशन अब खाना एब्जॉर्ब हो गया अब आता है टाइम खाने को यूज करने का खाने को यूज करने का मतलब में जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है और एब्जॉर्ब हुआ है अब उसके बाद उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है आपके बॉडी को तो वो कैसे होगा तो जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है ठीक है और अब आपके फूड जो है वो डाइजेस्ट और एब्सॉर्बेशन के बाद कहां पहुंच चुका है ब्लड में अब ब्लड की मदद से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है ठीक है अब वहां पर जब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पर फाइनल स्टेज होता है जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो जो आपका ग्लूकोज था ठीक है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए थे तो ग्लूकोज फॉर्म हुआ था ठीक है अब वो जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में है ब्लड से वो आपके हर सेल तक पहुंचाया गया है ठीक है अब जब आपके सेल में ग्लूकोज पहुंच जाता है तो ब्लड की ही मदद से ऑक्सीजन जो होता है वो भी पहुंचाया जाता है आपके हर सेल तक अब आपके सेल में ग्लूकोज भी पहुंच चुका ऑक्सीजन भी पहुंच चुका तो ये जो ग्लूकोज है ये बॉर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है ठीक है और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होता है ठीक है तो अब आपका खाना जो है वो एसिमुलेट हो रहा है मतलब कि आपका जो फूड है वो डाउन हो रहा है सिमिलरली तो जो है उनसे तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और जो एमाइनो एसिड्स हैं अब एमाइनो एसिड्स कहाँ से गए एमाइनो एसिड्स बने थे जब प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ था तो जब प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ तो बने तो वो जो एमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं वो सेल्स में पहुंचते हैं और वो हर सेल को बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं ठीक है तो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली सॉरी uh, डिवाइड uh, होते रहते हैं ठीक है एक सेल से दो सेल बनते हैं दो से चार फिर आठ फिर ऐसे करके तो वो जो नए सेल्स बन रहे हैं उनको कौन बनाने में हेल्प करता है एमाइनो एसिड्स ठीक है अब जब आप गिर जाते हैं चोट लग जाती है तो आपका सेल डैमेज हो जाता है तो आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो वहां पे घाव हो जाता है ठीक है वूड हो जाता है और वो अपने आप ही फिर रिपेयर भी हो जाता है आपकी स्किन उसको रिपेयर कर लेती है तो वो रिपेयर कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एमाइनो एसिड्स तो एमाइनो तो बेसिकली जो ग्लूकोज है उनका तो काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना का क्या काम है उनको रिपेयर करना और जो फैटी एसिड्स है जो भी फैट आपने खाया था जो की बाइल जूस की मदद से फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हुए थे तो ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल जो है वो आपके स्किन के नीचे जमा होते जाते हैं ठीक है और ये एक्ट करते हैं एज एनर्जी रिजर्व एनर्जी रिजर्व का मतलब कि मान लो आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हो आपको एक दो दिन खाना ना मिले ठीक है तो उस केस में भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे सिर्फ सोए हुए हो तो भी तो आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है ना क्योंकि आपका हार्ट काम करेगा कॉन्स्टेंटली ठीक है आप की आई लैशेज हैं वो कॉन्स्टेंटली काम करेंगी तो इन सबको भी काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एंजाइम्स करेंगे तो फॉर दैट ऑल्सो आप योर बॉडी नीड द एनर्जी तो उसको वो कब मिलेगी जब आपके बॉडी में फैट स्टोर होगा तो वो जो फैट स्टोर होता है वो यूज करती है आपके बॉडी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं करते ठीक है तो ये एज ए स्टोर्ड फैट होता है आपकी बॉडी में so this is how your body assimilate the nutrition in your body use karti hai aur is dhang se aapke body mein jo different cells hain wo repair hote hain build hote hain energy produce hoti hai aur energy store ho jati hai अब यहाँ पे सारा काम हो चुका now the last part is egestion egestion मतलब eject कर देना बाहर निकाल देना तो आपके बॉडी में जो भी आप सारा खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब नहीं होता है ठीक है कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड भी रहता है तो वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि आपके बॉडी के द्वारा किसी यूज का नहीं है सो तो वो सारा का सारा इस, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो लेट मी शो यू ठीक है तो यहां पर आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का खाना सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हुआ है फिर विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड तक पहुंच चुका तो अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन तो ये आपको दिख रही है ना बाहर वाली जो मैं दिखा रही हूँ आपको दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है फिर यहाँ रेक्टम है और ये आपका एनस है तो यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो उस जो, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी वाटर कंटेंट होता है क्योंकि पानी आपके बॉडी के लिए जरूरी है तो जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वेस्ट में वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि जो भी वेस्ट है जो भी वेस्ट फूड है आपके बॉडी के लिए उसमें से वॉटर को एब्जॉर्ब कर लेना ठीक है सो so, जो वेस्ट फूड है अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है फिर वो जाके आपके रेक्टम में स्टोर हो जाता है और जब रेक्टम में स्टोर होता जाता है तो सुबह आपको प्रेशर आता है एंड यू फील लाइक की यू हैव टू गो एंड गेट फ्रेश और फिर जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो आप उसको जो भी आपका सॉलिड बेस्ट आपके बॉडी में इकट्ठा हुआ है तो दिस इज हाउ योर देशन टेक्स प्लेस इन योर बॉडी थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन रैक्टम एंड एनएस दिस इज द टोटल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें की आपका खाना जो है वो कैसे पास होता है डाइजेस्ट होता है एAbsorb uh, होता है assimilate होता है और eject होता है नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है अगर उसको डायमीटर देखोगे आप डायमीटर समझ रहे हो ना उसकी जो चौड़ाई है ठीक है अगर वो देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तो वो डायमीटर में तो छोटा होता है बट अगर उसकी लेंथ देखोगे तो वो बहुत बड़ा होता है पर उस वो जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में ठीक है मुड़ा चुड़ा सा रहता है अंदर ठीक है तो वो क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है इसीलिए वो बहुत छोटा सा दिखता है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा दिखता है हमको ठीक है बट जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इट इज ऑलमोस्ट सेवन मीटर्स ठीक है बड़ा होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ फाइव मीटर्स होता है क्यों अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लंबाई बड़ी क्यों है और लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी क्यों है क्यों क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है तो मैंने अभी आपको बताया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सारा का सारा खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है तो डाइजेशन और एब्सॉर्बेशन में ज्यादा टाइम लगेगा है ना सो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लंबा होता है जिससे कि फूड धीरे धीरे उसमें से पास हो और धीरे धीरे करके आपका सारा खाना इजिली डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए ठीक है और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही काम होता है क्या जो भी आपका वेस्ट मटेरियल पास हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में उसको सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना है ठीक है थ्रू इट तो वाटर एब्सॉर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो वो 1.5 पॉइंट में हो जाता है सो दैट्स वाई दे बोथ आर है डिफरेंट लेंथ नेक्स्ट आपने ये देखा होगा कभी कभी जब हम खाना खाते हैं ना तो खांसी आ जाती है हमें कफिंग होने लगती है ठीक है सो वाई दैट हैपन सो समाइम चंक में गेट इन टू द ट्राकि मतलब एयर पाइप ठीक है तो आपका जो फूड पाइप है ठीक उसके बगल में आपका एयर पाइप भी होता है जिससे कि आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अंदर जाता है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं ठीक है तो गलती से इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आराम से बैठ के खाना चाहिए हंसना नहीं चाहिए कूदना नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि जो खाना है वो गलती से एयर पाइप में भी एंटर हो सकता है तो जैसे ही वो एयर पाइप में एंटर होगा तो आप खांसते हैं तो खांसने के कारण क्या होगा उस वो एक नेचुरल वे है जिससे कि आपका जो भी फूड जंक ट्रैकिया में एंटर हुआ है एयर पाइप में आप उसको बाहर निकाल सके उससे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा अगर वो फंस गया आपके एयर पाइप में तो फिर एयर पास नहीं हो पाएगी और अगर आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिस कैन लीड टू द डेथ आल्सो ठीक है तो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं हेलमिच okay? ये स्टॉप करता है पर्सन को फ्रॉम द चोकिंग तो इसमें आपको क्या करना रहता है जब ऐसे किसी के खाना फंस गया है और वो खांस रहा है तो आपको पीछे से उसके पीठ पे बैक पे एक थ्रस्ट देना होता है जोर से थोड़ा मारना होता है ठीक है जो रिप केज वाला एरिया होता है आपके पीछे ठीक उसमें वहां पे आपको एक जोर से थप्पड़ मारना होता है उसको ठीक है और उसके कारण क्या होता है कि जो एयर है उसकी मदद से जो फूड है जो चंक है जो कि आपके फूड एयर पाइप में एंटर हुआ था ठीक है वो फिर बाहर निकल आएगा फ्रॉम द ट्रैकि और इस ढंग से आप उस पर्सन को चोकिंग से बचा सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज द र्यूमिनेंट्स तो र्यूमिनंट्स क्या होते हैं तो र्यूमिनेट्स आर द हु प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन द टू स्टेप्स तो आपने अभी देखा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फाइव स्टेप्स पहला इंजेशन दूसरा डायजेशन uh, तीसरा एब्जॉर्प्शन चौथा एसिमुलेशन एंड पांचवा इजेशन ठीक है तो यहाँ पे र्यूमेंट्स की बॉडी में ये आ, कैसे टेक्स प्लेस करता है तो जो रिमेन्ट्स होते हैं बेसिकली जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक ऑल द काउस बफेलोस गोड शीप्स बाइसन ठीक है तो इनके पास जो स्टमक होता है वो हमसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इनके स्टमक में चार चैम्बर्स होते हैं और चारो चैंबर्स में डिफरेंट फंक्शन होते हैं So, सबसे पहली चीज जो ये फूड स्वेलो करते हैं सबसे पहले आप आप क्या करते हो जब भी आप अपने माउथ uh, में इंजेस्ट करते हो डालते हो खाना तो सबसे पहला काम आप चबाना चबाते हो उसको और जब चबाते हो तो वो फिर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है और सलाइवा की मदद से वो डाइजेस्ट भी होता है वहां पे कार्बोहाइड्रेट और फिर आप उसको स्वेलो करते हो बट जो र्यूमिन होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो चबाते नहीं है वो सबसे पहले क्या करते हैं खाने को स्वेलो कर लेते हैं तो जैसे ही वो सबसे पहले खाने को स्वेलो करते हैं तो वो उनके फर्स्ट चैम्बर में जाता है जिसको हम रूमन कहते हैं तो एज द स्वेलो द फूड विद द हेल्प ऑफ द फूड पाइप द फूड टू द र्यूमैन फिर र्यूमेन में वो वहां पे पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है कैसे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस क्योंकि उनके बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट होते हैं तो वहां पे वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है तो र्यूमेन में जब वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कर्ड ठीक है फिर उसके बाद इट गोज टू द सेकेंड चैंबर तो फिर रियमिन के बाद वो सेकंड चैंबर में जाता है 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 और फिर से वापस उनके माउथ माउथ में में आता ठीक अब जब वो में, क्योंकि यहाँ पे अभी आधा ही डाइजेस्ट हुआ है ना फूड तो बाकी का जब वो माउथ में वापस आता है तो वहां पे वो च्यू करते हैं ठीक है और इस प्रोसेस को वो जो च्यू करते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं जुगाली करना ठीक है तो इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं एंड दिस इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द्यूम ओके तो च्यू करने के बाद फिर से ये वापस एक बार और अपना खाना स्वेलो करते हैं जब ये पूरा बेसिकली ब्रेक डाउन हो चुका होता है इंटू द स्मॉलर पीसेस सो so, फिर ये दूसरी टाइम स्वेलो करते हैं और फिर इनका खाना जो है वो तीसरे और चौथे चैम्बर में जाता है और फिर उसके बाद जब पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद इनका खाना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बशन टेक्स प्लेस करता है फिर जो भी खाना है जो कि एब्जॉर्ब हुआ है फिर वो ब्लड के थ्रू इनके पूरे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होता है जैसे हमारे बॉडी में होता है यूज़ होता है और जो भी वेस्ट मटीरियल है वो इनकी बॉडी से यहाँ से इजेस्ट कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ द वेस्ट मटीरियल ठीक है जिसको हम कावडंगक कहते हैं ओके सो दिस इज हाउ द डायस टेक्स प्लेस इन दूम सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया है कहीं ना कहीं इस टॉपिक को समझने में और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं आई विल गिव द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन सो टिलेर बाय मीट इन द नेक्स्ट वीडियो